बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर दी एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग और सल्फर कंपाउंड्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। हम अपने मौजूदा लेक्चर में भी तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये पेपर में एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग पूछा जा सकता है। सबसे पहला शॉर्ट जो इस टॉपिक से आ सकता है वो ये है, हाउ नाइट्रिक ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। तो आप यहाँ से लिखेंगे, नेचुरली अक्रिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर। ये भी आप लिखेंगे, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स इन थर्मल पावर स्टेशन एंड फैक्ट्रीज where huge amount of coal is burned, NO is formed by the direct combination of nitrogen and oxygen। साथ में आप ये equation भी करेंगे। यहाँ पर MCQ भी paper में आ सकता है। For example, combustion of fossil fuels in internal combustion engine in thermal power stations and factories where huge amount of coal is burned, NO is formed by the direct combination of नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक और शॉर्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है, हो NO2 इज फॉर्म्ड। तो आप लिखेंगे, NO क्विकली रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक गैस। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ तक लिखेंगे। और इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। NO quickly reacts with air to form nitrogen dioxide. Oxides of nitrogen dissolve in water and form acid rain. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है, वो ये है, हाउ इज एसिड रेन फॉर्म्ड। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एयर। रेन वाटर कन्वर्ट्स SO2 into H2SO4 एंड NOX2 HNO2 एंड HNO3। नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व CO2 ऑफ द एयर। इट्स pH इज अबाउट 5.626। बट रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स बिकम्स मोर एसिडिक एंड इट्स pH रिड्यूसिस टू 4। Thus, acid rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rain water. यहाँ तक। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आ सकता है, Why normal rain water is weakly acidic? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, Normal rain water is weakly acidic because it consists of dissolved CO2 of the air. Its pH is about 5.626। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो ये है, What is the pH of acidic rain? तो आप लिखेंगे, Its pH is about 2.4। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एयर। नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व CO2 ऑफ द एयर। एसिड रेन इज फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स बाय रेन वाटर। इस पेज पर एसिड रेन फॉर्मेशन एंड इट्स इफेक्ट्स की डायग्राम दी गई है। ये भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये डायग्राम भी बनानी है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ इज एसिड रेन फॉर्म्ड, राइट इट्स इफेक्ट्स। तो फिर आप ये डायग्राम भी साथ ड्रा करेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। सबसे पहला इफेक्ट है, एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेस हैवी मेटल विद इट एंड डिस्चार्जेस दिस मेटल इन टू रिवर्स एंड लेक्स। दिस वाटर इज यूज बाई ह्यूमन बींग्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। These metals accumulate in human body to toxic level.
यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट्स बाय एसी रेन। तो आप यहाँ से लिखेंगे एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन लेक्स आल्सो सफर बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे एसी रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचिस हैवी मेटल, यहाँ से लेकर अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिश यहाँ तक। Especially high concentration of aluminium ions clogs the fish gills. It causes suffocation and ultimately death of fish. Next जो effect है ये भी as a short अलहदा से paper में पूछा जा सकता है। For example, how AC drain affects the building? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे AC drain attacks the calcium carbonates present in the marble and limestones of the buildings and monuments. Thus, these buildings are getting dull and eroded डे बाय डे यहाँ तक। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई कंसनट्रेशन ऑफ एलुमिनियम आइंस क्लॉग्स द फिश गिल्स, एसी ड्रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइम स्टोन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड मोनोमेंट्स, एसी ड्रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचिस हैवी मेटल। नेक्स्ट इफेक्ट भी एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ एसी ड्रेन अफेक्ट्स द क्रॉप्स एंड प्लांट्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे एसी ड्रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच सॉइल, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल डैट पॉइजन द वेजिटेशन, इवन ओल्ड ट्रीज आर अफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल, their growth is retarded, they get dry and die यहाँ तक। एसिड ड्रेन डायरेक्टली damages the leaves of trees and plants, thus limiting their growth. Depending upon the severity of the damage, plants' growth can be hampered, plant capability to resist cold or diseases reduces and ultimately they die. ये effects as a short भी पूछे जा सकते हैं और question आपको इस तरह भी आ सकता है, write any two effects of acid rain. लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो राइट अ नोट ऑन इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ शॉर्ट भी और एज अ लॉन्ग भी, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन एसिडिक सॉइल, ओल्ड ट्रीज आर अफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल, एसिड रेन directly damages the leaves of trees and plant, thus limiting their growth. Students, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने नाइट्रोजन कंपाउंड्स और एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।